आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम वर्षा शर्मा और आज हम आपको महाकाल की नगरी उज्जैन लेकर जा रहे हैं, जहां के कण कण में महादेव का वास है, जहां हर दिन चमत्कार होते हैं। महाकाल की इस नगरी में पांव पखारती शिप्रा नदी है। ये नगरी जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देती है। यहाँ हर दिन भगवान भक्तों की बुराई को निगल लेते हैं। शिव की इसी नगरी में एक ऐसा मंदिर बसा है जहाँ स्वयं शिव के अवतारी भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। अघोरी जहाँ आराधना के लिए साल भर कालाष्टमी की प्रतीक्षा करते हैं। रहस्यमयी है काल भैरव का ये मंदिर। इकलौती ऐसी मूर्ति जो करती है प्रसाद ग्रहण। यहां प्रसाद में भैरव को चढ़ाई जाती है मदिरा। देखते ही देखते मदिरा हो जाती है गायब। काल भैरव का मंदिर जहां निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास होता है, जहां बेजान मूर्ति भी प्रसाद ग्रहण करती है। अघोरियों की तंत्र साधना का गढ़ है ये मंदिर। सदियों से यहां तांत्रिकों का प्रकोप रहा है। यहां होने वाले मदिरा पान के चमत्कार के साक्षी बनने लोग यहां मीलों चलकर आते हैं। उज्जैन में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजमान है। इस मंदिर में काल भैरव को प्रसाद में मदिरा चढ़ाई जाती है। इस मंदिर में एक अलग दिव्य शक्ति मौजूद है, जिसका एहसास यहां आने वाले हर भक्त को होता है। सबसे बड़ा चमत्कार, हैरान कर देने वाली शक्ति का सामना तब होता है जब चढ़ाई गई मदिरा को भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने ये प्रसाद भगवान भैरवनाथ पी जाते हैं। ये ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना मुश्किल है, जिसे देखकर अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं होता। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और बड़ी चमत्कारिक चीज मौजूद है जो भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींचती है, और वो है मंदिर परिसर में स्थापित दीप स्तंभ। इस दीप स्तंभ के दीप हमेशा दहकते रहते हैं। आस्था और अंधविश्वास की कड़ी में ये मंदिर आस्था का वो चमत्कार है जिसका धरती पर होना बेहद रहस्यमयी है। 6000 साल पुराना ये मंदिर प्राचीन समय में सिर्फ तांत्रिकों को ही अंदर आने की अनुमति देता था। यहां की गई तांत्रिक क्रियाएं दिव्य शक्तियों को अपने वश में करने का सामर्थ्य रखती हैं।
यहाँ मौजूद रहस्य आए दिन कुदरत के नियमों को चुनौती देते हैं। इन सभी रहस्यों में कुछ सवाल हैं, जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। इस मंदिर में क्यों करते हैं काल भैरव मदिरा का सेवन? मूर्ति में बिना किसी सुराग के आखिर कहाँ जाती है प्रसाद में चढ़ाई गई मदिरा? और क्यों ये मंदिर था सिर्फ अघोरियों का गढ़? क्या कोई मूर्ति मदिरा पान कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है। बेजान चीजों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता। लेकिन उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा नहीं होता। इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को ना सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर फूल श्रीफल के साथ साथ मदिरा की बोतलें भी सजी नजर आती हैं। इससे पहले कि आप कुछ समझें, कुछ जानें, हम आपको बताते हैं कि बाबा के मुंह से मदिरा का कटोरा लगाने के बाद मदिरा धीरे धीरे गायब हो जाती है। क्या मूर्ति जीवंत है? क्या बाबा भैरव मदिरा का सेवन कर खुश होते हैं? गर्भगृह का दृश्य बेहद निराला है। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, ये कोई नहीं जानता। यहां आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वो बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक मंदिर था, जहां बलि चढ़ाने के बाद भैरव बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है जैसे सदियों पहले जारी था। इस मंदिर की महत्वता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। इसका प्रमाण यहाँ मौजूद एक तांत्रिक मंदिर है। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। यहाँ आकर वो तांत्रिक क्रियाएं करते थे। इस मंदिर से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाकर पूरा यकीन हो गया कि जहां आस्था होती है वहां शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये मंदिर जितना रहस्यमय है, जितना चमत्कारी है, जितने सवाल ये मंदिर अपने भीतर संजोए हुए है, उतने ही विशाल और पौराणिक है इसकी ऐतिहासिक धरोहर। जानते हैं क्या है शिव के रौद्र रूप काल भैरव की कहानी और इस मंदिर का इतिहास? शिव की पूजा करने वाले 8 भैरव की पूजा करते हैं, जिसमें काल भैरव सबसे महत्वपूर्ण है। काल भैरव मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि ये मंदिर यहाँ 6000 से भी अधिक वर्षों से स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार वैदिक काल से ही इस मंदिर का तांत्रिक विद्या और काले जादू से संबंध रहा है। यहाँ पर अघोरा
और कपालिका संप्रदाय को मानने वाले लोग भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में मिले अभिलेखों के अनुसार 9वीं शताब्दी में राजा भद्रसेन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में इस मंदिर के क्षीण होने पर मराठा जनरल महादाजी शिंदे ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान विष्णु की मूर्तियों को परमार शासन काल के दौरान बनाया गया था। इस काल भैरव मंदिर को मालवा की सुंदर वास्तुकला में बनवाया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार जब पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में मराठा बुरी तरह से हारने के बाद उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य को जीत दिलाकर सत्ता स्थापित करने के लिए मराठा जनरल महादजी शिंदे ने भगवान काल भैरव को अपनी पगड़ी सौंपी थी ताकि उन्हें लड़ाई में जीत मिल सके और बाद में फिर मराठा की जीत होने के बाद महादजी शिंदे ने मंदिर के निर्माण का काम और बढ़ा दिया। इस मंदिर से जुड़े तथ्य, यहाँ मौजूद रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं और हम ऐसे ही आपके लिए रहस्यमयी मंदिरों के तथ्य खंगाल कर आपके लिए लेकर आएंगे अपना अगला एपिसोड। अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।